Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एसएससी अड्डा चैनल पर। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ 20 MCQ 20 बेस्ट MCQ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डेली आपको 20 से 30 MCQ दूंगा, और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, या फिर मैं अगर बात करूं तो आपका चाहे वो हरियाणा एसएससी का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। डेली बेसिस पर आपका करंट अफेयर होगा विद स्टैटिक अवेयरनेस। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो कंप्यूटर जी, एक बार स्क्रीन को लगा दिया जाए फटाफट से। तो देखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं 6 बजे आपका एसएससी अड्डा पर एमसीक्यू सेशन होता है, उसके बाद आपका जो है 7 बजे टीचर्स अड्डा पर डेली करंट अफेयर आपका होता है स्टैटिक जीके। मतलब क्या है कि 6 बजे हम एमसीक्यू पढ़ेंगे और 7 बजे हम क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन गाइज, ये आपका कहां पर होगा, ये होगा आपका टीचर्स अड्डा पर। इस चीज को आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां पर बता दूं तो ये आपका जो डेली बेसिस पर जितनी भी आपकी न्यूज होंगी वो सारी इसके अंदर बताई जाएंगी सुबह 7 बजे डेली टीचर्स अड्डा पर। तो आइएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। इन विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द किसान मान धन योजना। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 12 सितंबर को किसान मानधन योजना की शुरुआत की। तो क्या वो वाराणसी है, रायपुर है, भोपाल है या रांची है। गाइज, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, रायपुर। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर अगर मैं आपको नॉर्मली पूछने लगूं कि आपको जो रायपुर है, रायपुर किसकी कैपिटल है, एक बार मुझे बता दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, रायपुर का रीनेम हो चुका है, मतलब रायपुर का नाम के बदलने के लिए क्या है कि प्रस्ताव जा चुका है। रायपुर का नाम क्या रखना था, रायपुर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हमें रखना था। तो ये गाइज आप लोग बता दीजिएगा फटाफट से, कोई डाउट अगर इसमें हो तो मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहां पर, नेम द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट R&D का मतलब यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से है प्राइवेट लिमिटेड। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइज आंसर क्या होगा, अनिल भंसाली होगा, राजीव कुमार होगा, पंकज मुंजाल होगा या फिर नवीन अग्रवाल होगा। तो यहां पर जो गाइज आपका आंसर होगा, डेट इज आपका बी ऑप्शन, राजीव कुमार। अब गाइज यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है माइक्रोसॉफ्ट के, वो है हमारे सत्य नडेला साहब। इस चीज को भी हम साथ में क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 सितंबर। इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है आपका कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ आपका क्या है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। मतलब जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है आपका, अगर मैं बात करूं हिंदी में, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है आपका, उसका विषय क्या है, एक बार जल्दी से गाइस कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि क्या टेक ए मिनट है, चेंज ए लाइफ है, वर्किंग टुगेदर और टू प्रिवेंट सुसाइड। यहां पर जो आपका आंसर होगा, दैट इज डी ऑप्शन गाइस, डी इज द राइट आंसर। दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है, एक तो थीम आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपका क्या आ जाएगा, 10 सितंबर को ये सेलिब्रेट होता है। इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड कोकोनट डे भी सितंबर में आता है, तो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा गाइस कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है, एक बार फटाफट से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो दिलीप ट्रॉफी है हमारी, दिलीप ट्रॉफी का विनर कौन है। तो सबसे पहले तो एक बात समझिएगा कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो आपकी किस गेम से रिलेट करती है। तो दिलीप ट्रॉफी जो आपकी रिलेट करती है गाइज, वो करती है क्रिकेट से, पहली बात। दूसरी बात, उसके विनर कौन है, तो विनर इंडिया रेड है, इंडिया ब्लू है, इंडिया ग्रीन है या इंडिया येलो है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा गाइज, जो आंसर आ जाएगा डेट इज इंडिया रेड। अब दो तीन चीजें यहां पर है कि इंडिया रेड ने किसको हराया है, इंडिया ब्लू को हराया है, इंडिया ग्रीन को हराया, इंडिया येलो को हराया, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो देखो, क्रिकेट में है ये, क्रिकेट में भारत का क्या है कि फर्स्ट क्लास ट्रॉफी है ये, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो भारत में खेला जाता है, जैसे आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, इस तरह से आपकी कई सारी मतलब ट्रॉफी जो डोमेस्टिक लेवल पर खेली जाती है, उन्हीं में से एक क्या है आपका, दिलीप ट्रॉफी है। ऐसे ही आपका IPL है, वो भी आपका डोमेस्टिक लेवल पर खेला जाता है। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर बात करूं तो BCCI की,
तो बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब बीसीसीआई क्या है? क्रिकेट को कंट्रोल करने का बोर्ड है, कहां पर? भारत में। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है आपके राहुल जोहरी, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि इंडिया क्रिकेट टीम के क्या हुए, नए कोच नियुक्त हुए, कौन? रवि शास्त्री ही बन गए वापस। और अगर मैं बल्लेबाजी कोच की बात करूं तो विक्रम राठौड़ है, और बॉलिंग कोच की बात करूं तो अरुण है, इस चीज को क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बता दूं यहां पर आपका, तो फील्डिंग कोच कौन है? श्रीधर हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? तो टाइटल स्पॉन्सरशिप गाइस मिली है आपकी किसकी? पेटीएम को, ध्यान रखिएगा। और पेटीएम के अगर फाउंडर की बात जब जब आती है तो कौन है? विजय शेखर शर्मा है। और अगर मैं बात करूं तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है डेट इज 197 कम्युनिकेशन, और हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा में है, इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो देखिएगा करंट अफेयर एक है लेकिन उससे कई सारी चीजें क्या हो जाती है? रिलेट कर जाती हैं, इसको भी हमने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो देखिएगा ये जो इंडिया लंका, मतलब इंडिया और श्रीलंका की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके क्या नाम है? SLINEX, ठीक है, मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। मैरीटाइम एक्सरसाइज से मतलब यहां किस चीज से? जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है उससे मतलब है यहां पर नेवी एक्सरसाइज से। तो गाइज अगर मैं बात करूं तो वो कहां पर हुई है आपकी, जो इंडिया श्रीलंका की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है SLINEX, वो कहां पर हुई है? तो वो हुई है आपकी विशाखापट्टनम में, इस चीज को हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्मी एक्सरसाइज की, तो आर्मी एक्सरसाइज का क्या नाम है गाइज? मित्र शक्ति, उसको हम ध्यान रखेंगे। क्या है? मित्र शक्ति। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां पे बता दूं तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो मैत्रीपाला सिरिसेना वहां के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। और अगर मैं बात करूं तो रनिल विक्रमसिंघे वहां के क्या है? प्रधानमंत्री है, इस चीज को क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बता दूं तो श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक आपका क्या है? कोलंबो है, और दूसरी क्या है? जयवर्धनेपुरे कोटे है, इस चीज को भी हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं यहां से आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी का जो मनाया जाता वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके जो चीफ है उनको क्या बोलते हैं? एडमिरल बोलते हैं गाइस। तो एडमिरल क्या नाम है उनका? एडमिरल करमबीर सिंह, इस चीज को हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे यहां पर। तो सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई, एक ही क्वेश्चन से जितनी भी उससे रिलेट कर रही थी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से शेयर कर दें और लाइक कर दें जल्दी से फटाफट। अगर मैं आगे बात करूं तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और मिलिट्री मेडिसन, तो ध्यान रखिएगा जो मिलिट्री मेडिसन पर एक SCO मेंबर कंट्री की, जो SCO मेंबर स्टेट है उनकी क्या हुई है आपकी? एक कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मुझे बताइएगा कि वो कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? हैंगझाउ में हुई है, नई दिल्ली में हुई है, टोक्यो में हुई है, या बीजिंग में हुई है? तो यहां पर गाइज अगर मैं बात करूं तो आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर जो ऑप्शन में आंसर गलत लगा हुआ है, टोक्यो लगा हुआ है, लेकिन ये टोक्यो आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नई दिल्ली आ जाएगा, उस चीज को हमने क्या रखना है? ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर आपको बता दूं तो नॉर्मल सी चीज है, देखो अगर आपको हैंगझाउ की बात आएगी तो जो हमारे एशियन गेम्स है 2022 के, वो हमारे कहां पर होंगे? हैंगझाउ में होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चाइना में होंगे, क्योंकि 2018 हमारा कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बता दूं आपको तो बीजिंग में क्या होगा कि 2022 में हमारे क्या होते हैं? समर ओलंपिक 2020 में होंगे, विंटर ओलंपिक होंगे आपके कब? 2022 में। हमारे जो ओलंपिक होते हैं उनके क्या होते हैं? दो फॉर्मेट होते हैं, एक समर एक विंटर। तो विंटर वाला जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, अब जो होगा 2022 में होगा, लेकिन समर वाला कब होगा? 2020 में होगा। तो जो विंटर वाला आपका होगा वो आपका बीजिंग में होगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बीजिंग एक ऐसी आपकी सिटी बन जाएगी जहां पर विंटर और समर दोनों ओलंपिक क्या होस्ट किए जा चुके होंगे। अगर मैं बीजिंग की बात करूं तो बीजिंग में जो आपका समर ओलंपिक हुआ था वो 2008 में हुआ था, और विंटर ओलंपिक कब होगा? 2022 में होगा, इस चीज की ध्यान रखिएगा। अब मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा जो ये SCO है इसकी फुल फॉर्म क्या है, और जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इसके मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं, कितने हैं। लास्ट क्लास में ही मैंने इसका पूरा डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था। आगे चलते हैं फटाफट से, 25th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, तो देखिएगा 25वीं जो सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है स्टार्ट हो चुकी है, किस स्टेट में? तेलंगाना है।
अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है या वेस्ट बंगाल है? तो यहाँ पर गाइज आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो देखो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। बात हो रही है फुटबॉल की, तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आपका कब हुआ था और अगला वाला कब होगा? तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप आपका 2018 में हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था गाइज? रशिया में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूँ तो 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप आपका होगा वो कहाँ पर होगा? कतर में होगा, मैंने आपको बताया। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो होगा यूएस, मेक्सिको और कनाडा, मतलब ये वर्ल्ड कप होगा तीन जगह। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या बन जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसके साथ के साथ इस चीज को हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं आपसे पूछने लगूं गवर्नर कौन है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैंने बताया भी हुआ है आप लोगों को, फटाफट से आगे चलते हैं। 7th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच प्लेस, मतलब 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मंत्री बैठक किस जगह आयोजित की गई थी? तो गाइज क्या वो नई दिल्ली, टोक्यो, बैंकॉक और जकार्ता? तो यहां पर अगर आंसर आएगा आपका डेट इज बैंकॉक। अगर मैं आपसे ये पूछ लिया जाता कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? पीयूष गोयल, और वो हमारे साथ के साथ रेलवे मिनिस्टर भी हैं, इस चीज को हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं यहां पर तो ये थाईलैंड की कैपिटल है और थाईलैंड की जो करेंसी है डेट इज बाहत, इस चीज को भी हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अब गाइज मुझे थाईलैंड से याद आया कि इंडिया और थाईलैंड की जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है? इंडिया और थाईलैंड की जो आर्मी एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है? तो इंडिया और थाईलैंड की जो आर्मी एक्सरसाइज है डेट इज मैत्री, इस चीज को भी हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। दूसरा, टोक्यो से मुझे याद आया कि जो हमारे ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक नेक्स्ट ईयर, वो टोक्यो में होंगे। और जकार्ता की मैं बात करूं तो जकार्ता में हमारे क्या हुए थे? एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, इस चीज को भी हमने क्या रखना है? याद रखना है। देखिएगा मैं सारी चीजें आपको बार बार रिपीट करा देता हूं ताकि आप लोग भूलो ना उस चीज को। आगे आ जाते हैं, हु इज द हेड ऑफ कमेटी टू ओवरसीज बाइफ्रिकेशन ऑफ J&K, मतलब क्या है कि जम्मू और कश्मीर के विभाजन की निगरानी करने वाली समिति के प्रमुख तीन कौन है? तो गाइस देखिएगा यहां पर ध्यान से समझिएगा कि संजय मित्रा, गिरी प्रसाद गुप्ता, अरुण गोयल और KL मिश्रा। अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तीन मेंबर कमेटी बनाई है आपकी, तो उसमें तीन मेंबर को रखा है। और तीन मेंबर को किस लिए रखा है कि वहां की, मतलब एक तरीके से जो भी वहां के एसेट्स हैं, जो भी वहां की रिसोर्सेज हैं, और जम्मू कश्मीर की क्या है, लद्दाख की क्या है, जैसा कि सबको पता है J&K और लद्दाख दो अलग यूटी बना दी हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? 31st अक्टूबर से होगा, ये बात आपको पता होगी। दूसरी चीज अगर मैं गाइज बताऊं तो ये जो थ्री मेंबर कमेटी बनाई है इसके हेड कौन है? संजय मित्रा है, हम इस चीज को क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। लेकिन अदर दो मेंबर की अगर बात की जाएगी तो दो मेंबर और कौन है? गिरिराज प्रसाद गुप्ता है और एक अरुण गोयल है, इस चीज को भी हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां पर बता दूं तो देखो दो तीन चीजें और हैं यहां पर नॉर्मल सी। अगर मैं आपसे बात करने लगूं तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो थ्री मेंबर कमेटी है उनमें से एक पर्सन कौन सा नहीं है, तो यहां पर आपका आंसर तब बन जाता KL मिश्रा। KL मिश्रा उस कमेटी में नहीं है, अरुण गोयल है और गिरी प्रसाद क्या है आपके? गुप्ता जी हैं, इस चीज को हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं फटाफट से, तो हु इज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, विजय कुमार चोपड़ा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुई थी अगर कोई आपसे पूछने लगे तो डेट इज 1947 में हुई थी, इस चीज को हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। और कहां पर इसका ऑफिस, एक तरीके से हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है, उसको भी हमने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन विल बी द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम बी लॉन्च्ड? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा ये हमारा 11 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इतना ही जानना काफी नहीं है। इसमें क्या करना है कि जो, जैसा कि हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया कि गवर्नमेंट का एम है 2022 तक क्या कर लेंगे कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का उद्देश्य है, तो इसी उद्देश्य के तहत ये स्टार्ट किया गया है नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब उनके मुंह से और पैर से होने वाली बीमारियों को किया जाएगा रोकथाम की जाएगी उनकी। और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया है ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कहां से किया है? मथुरा से किया है, ध्यान रखिएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश से। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से लॉन्च किया? मथुरा से लॉन्च किया। और डेट पूछी जाएगी तो 11 सितंबर आपके सामने आ जाएगा। ओके,
आगे चलें अगर हम नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट आपका गाइस क्या क्वेश्चन आता है, विच बॉडी हैज अग्ड इंडिया टू एंड लॉकडाउन कर्फ्यू इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कौन सी वो बॉडी है जिसने जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू हटाने के लिए, तालाबंदी करने के लिए क्या कहा है, बोल दिया है कि भैया आप तालाबंदी थोड़ी सी कर्फ्यू जो है उसमें ढिलाई कर दो और हटा दो। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैं बात करूं तो यहां का जो इसका सीधा सा आंसर बनता है डेट इज UNHRC। अब ये है क्या, इसको जानते हैं। तो अभी क्या है कि चाइना और पाकिस्तान ने क्या आपत्ति उठाई थी कि भारत ने ये क्यों किया जम्मू कश्मीर ने, तो भारत ने बोल दिया ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो उसके बाद UNRC जो कि ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए काम करती है, तो उसने क्या कहा, भारत से एक रिक्वेस्ट टाइप में कहा कि भैया आप थोड़े कर्फ्यू और जो वहां का एक कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा बहाल कर दो, उसको कम्युनिकेशन को वापस स्टार्ट कर दो। तो गाइज अगर आपसे कोई पूछने लगे UNHRC क्या है, तो देखो UN से तो क्या बन गया, यूनाइटेड नेशन, सबको पता है, और HRC से क्या बन गया, ह्यूमन राइट कमीशन। इस चीज को भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर आपको कोई पूछने लगे ये जो UNHRC है ये किसकी सब्सिडरी है, तो ये सब्सिडरी है UN जनरल असेंबली की, जो UN जनरल असेंबली है उसकी सब्सिडरी है। कोई पूछने लगे ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो गाइज UNHRC जो एस्टेब्लिश हुई थी आपकी 15 मार्च 2006 को, इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर कोई इसका हेडक्वार्टर आपसे जानने लगे कि हेडक्वार्टर कहां है UNHRC का, तो आप बोल दोगे सर जेनेवा में है। इस चीज को भी हम कई बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को और फिर से बता रहा हूं ध्यान से। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछने लगे UNHRC के आपके हेड कौन है, तो UNHRC के जो आपके हेड है गाइज वो है आपके कोली और कोली सेक, उनका नाम है। और अगर आपसे कोई पूछने लगे कोलीसेक की कंट्री क्या है, तो कंट्री है सेनेगल, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, UNHRC क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। और अगर मैं उसकी बात करूं तो 15 मार्च 2006 को क्या था आपका, एस्टेब्लिश हुआ था, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं आपसे तो कोलीसेक उसके क्या है, प्रेसिडेंट है, और कहां के हैं वो, सेनेगल के हैं। और किसके अंडर में काम करता है UNHRC, तो ये करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंडर में काम करता है। इसी तरह से अगर गाइस मैं आपसे बात करने लगूं UNSC की, तो UNSC क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर मैं आपको इसके बताऊं तो इसके जो प्रेसिडेंट है डेट इज गुस्तावो आपके मेजा, गुस्तावो मेजा क्या है इसके प्रेसिडेंट हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे। दूसरा अगर इसका एस्टेब्लिशमेंट आपसे कोई पूछने लगे तो 24 आपका क्या आ जाएगा, अक्टूबर 1945, इस चीज को क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। साथ में अगर कोई ये भी पूछने लगे UN डे कब मनाते हैं, तो वो भी आपका यूनाइटेड नेशन डे भी कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर इसका हेडक्वार्टर की बात आ जाएगी तो गाइज डेट इज न्यूयॉर्क, ओके, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, सारी चीजें मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दी। दूसरा अगर हम ICJ पर चले तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, द हेग में, इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा जजों की संख्या कितनी होती है ICJ में, तो जजों की संख्या होती है आपकी कितनी, 15 होती है, इस चीज को मैं बता चुका हूं आपको। और जो जज का वहां पे टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कितना होता है, 9 साल का होता है, ध्यान रखिएगा टेन्योर। और भारत की तरफ से कौन है, दलबीर सिंह भंडारी है, इस चीज को भी मैंने क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं नॉर्मली बात करूं आपसे यूनाइटेड नेशंस की, तो आपको पता ही है हेडक्वार्टर, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, एक तरीके से हेड है UNO के, ओके। और 24 अप्रैल को आपका UNO डे मनाया जाता है। तो यहां तक आपको गाइस सारी इंफॉर्मेशन कवर हो चुकी है, और डेफिनेटली आपको यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। बात आ जाते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जो इम्प्लीमेंटेशन लगेगी UT की, वो 31 अक्टूबर से लगेगी, जो कि हमारा नेशनल यूनिटी डे भी है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी है, ओके, ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के अभी जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक साहब, इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं चलूँ तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन कैपिटल सिटी नई दिल्ली, नई दिल्ली की रैंक पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, नाइट फ्रैंक्स को लिविंग इंडेक्स में, जो नाइट फ्रैंक ने लॉन्च किया है को लिविंग इंडेक्स, उसमें दिल्ली का जो स्थान है गाइस वो 11वां स्थान है, ओके, मतलब टॉप 10 में नहीं है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं तो हमारी जो सिटी है मुंबई, वो 5वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो भारतीय सिटी की अगर मैं बात करूं, इसमें 60 सिटी है आपकी टोटल, तो भारतीय सिटी जो मुंबई है आपकी, वो 5वें नंबर पर है, दिल्ली आपकी कब है, 11वें नंबर पर है, और जो एक 19वें नंबर पर क्या है आपकी, बेंगलुरु है, इस चीज को भी हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, 11वें पर आपकी दिल्ली है, 5वें पर मुंबई है, और आपकी 19वें पर क्या है, बेंगलुरु है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है उसको कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहां पर है, तो गाइस बेंगलुरु में है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आता है कि सर पहले नंबर पर कौन सी है,
तो फर्स्ट नंबर की अगर मैं यहां से आपको बता दूं तो फर्स्ट नंबर पे जो है हमारी बीजिंग है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पर हमारी क्या है, टोक्यो है। और थर्ड पर हमारा क्या है, संघई है। और फोर्थ पर क्या है, हांगकांग है। इसको हम ध्यान रखेंगे, मतलब फर्स्ट इज बीजिंग, सेकंड इज टोक्यो, थर्ड इज आपका संघई एंड फोर्थ वन इज हांगकांग। तो इस चीज को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और पांचवे पे मुंबई है ही आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, AEPS। अब AEPS क्या है, AEPS की जो फुल फॉर्म है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मतलब आधार के थ्रू जो आपका क्या होता है, पेमेंट होता है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहां पर यही पूछा गया है, ए स्टैंड्स फॉर। तो गाइज यहां पर ए स्टैंड्स फॉर आधार। ओके, अब मुझे आपको बताना है कि जो आधार है, ठीक है, उसमें कितनी डिजिट होती है, बता दीजिएगा। जो आधार नंबर होता है उसमें कितनी डिजिट होती है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो वर्ल्ड वाटर वीक की बात आ जाती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो आप लोग, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, फटाफट से जल्दी से। अब विश्व जल सप्ताह की बात हो रही है, तो विश्व जल सप्ताह जो मनाया जाता है गाइज, वो 25 अगस्त से आपका 30 अगस्त तक मनाया जाता है। इस चीज को मैं क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां पे बता दूं तो यहां पर क्या है, आपका एक थीम भी है आपकी वर्ल्ड वाटर वीक की। तो इस थीम को जल्दी से आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे फटाफट से कि आपका वर्ल्ड वाटर वीक की जो इस बार की थीम है वो थीम आपकी क्या है, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। बड़ी सिंपल सी थीम है। उसके बाद बात आती है एक डांस की, जो कि आपका स्टैटिक में कई बार पूछ लिया जाता है। जो घूमरा नृत्य है वो कौन से स्टेट से है, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से है या अरुणाचल प्रदेश से है। तो गाइज यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका किसके आ जाएगा, उड़ीसा से आ जाएगा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और प्रोफेसर गणेशी लाल कहां, वो क्या है, वहां के गवर्नर हैं। कलिंगा स्टेडियम पूछ लिया जाता है तो कहां है, वो उड़ीसा में है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है उत्कल दिवस, तो उत्कल दिवस अगर गाइस पूछेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को आपका उड़ीसा डे या उत्कल दिवस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। बात आ जाती है राजस्थान की, तो राजस्थान के अगर आपसे डांस पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, घूमर डांस होता है सर राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं जे एंड के की बात करूं तो एक बार डांस पूछा गया था धूमल, जो एक मेल डांस है, मतलब इसको मेल करते हैं। आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का क्या डांस है, धूमल है। और अगर इसी को मैं फीमेल में बताऊं तो फीमेल का को क्या डांस को क्या बोलते हैं, रऊफ बोलते हैं। इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मतलब राजस्थान का मेल के लिए क्या है, धूमल है, और फीमेल के लिए क्या है, रऊफ है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि डांस कौन सा है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर मैंने अभी पूछे थे तो मैं बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है वीडी मिश्रा साहब, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपके जो वीडी मिश्रा है वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब एक बुक लिखी है किसने, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे विच कवर द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम 1830 टू ए न्यू हाई स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18। मतलब ध्यान रखिएगा, ये जो बुक लिखी है ना, इसमें क्या है, 1830 से जो हमारी ट्रेन 18 लॉन्च हुई थी थोड़े दिन पहले, मतलब लास्ट ईयर जो हमारी ट्रेन लॉन्च हुई थी ट्रेन 80, उस तक की सारी, मतलब इसमें क्या है, एक ब्रीफ में चीजें दे रखी है, सारी जर्नी आज तक की है। तो गाइज इसके जो राइटर है वो कौन है, राजेंद्र बी अकलेकर, उन्होंने सारा का सारा ब्रीफ यहां पर दिया है। तो आंसर आ जाएगा सी। अब रेलवे से मुझे याद क्या आया कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल है, मैंने बता दिया, लेकिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है गाइज, तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है हमारे वो कौन है गाइज, वो पहले अश्वनी लोहानी थे, लेकिन अभी की बात करूं तो अभी कौन है, वीके यादव है, वीके यादव है। इस चीज को क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा। आगे चलते हैं फटाफट से, तो मुझे बता दीजिएगा ऑपरेशन नंबर प्लेट क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बात आ जाती है रामगढ़ ताल लेक की। रामगढ़ ताल झील जो है वो किस स्थान पर है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या अलाहाबाद में है। तो गाइज यहां से अगर मैं बात करूं तो ये नियर गोरखपुर है। अब इस पे क्या था कि जो आपका रामगढ़ ताल लेक ये कैसे आ गया सर करंट में, तो यहां पर अभी क्या है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसकी इनॉग्रेशन करने हमारे जो यूपी के सीएम है आदित्य योगीनाथ जी वो वहां पर गए थे। तो गाइज ये बात आपको क्लियर होगी, यहां से चीजें समझ में आ गई होगी। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिएगा एनपीसीआई का नाम कहां से आ गया, हालांकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है लेकिन स्टैटिक भी वही पूछी जाती है जो करंट से रिलेट करती है। नरेंद्र मोदी जी ने थोड़े दिन पहले आपका क्या है रुपए कार्ड लॉन्च किया था। रुपए कार्ड जो लॉन्च किया था, तो रुपए कार्ड जितना भी हमारा पेमेंट का है, पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट हमारा जो भी जितना भी सारा देखती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपसे गाइस पूछा जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के
कौन है, रजनीश कुमार है, एमआर है या एसएस मुंद्रा है या दिलीप अबसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रजनीश कुमार हैं ये एसबीआई के चेयरमैन है गाइज, और अगर एमआर कुमार की बात करूं तो ये एलआईसी के चेयरमैन है, और एसएस मुंद्रा पहले डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के। तो आपका आंसर आ जाएगा दिलीप अबसे। तो दिलीप अबसे इज द एनपीसीआई आपके एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो गाइस बता दीजिएगा, पिन वैली एक फ्लावर ऑफ वैली है या पिन वैली है। तो फ्लावर ऑफ वैली जो है वो आपका उत्तराखंड में आता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन पिन वैली की बात हो रही है तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब गाइज एक कंफ्यूजन और कई बार आपसे हो जाता है जम्मू कश्मीर के ऊपर, एक आता है सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी आता है और एक आता है सलीम अली नेशनल पार्क। तो मुझे आप डिफ्रेंशिएट करके बताओगे दोनों में कि जो सलीम अली नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, और अगर मैं पूछूं आपसे जो सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी है, सलीम वर्ल्ड सेंचुरी, वो कहाँ पर है। ये दोनों चीज़ें आप मुझे क्या बताओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो गाइज ये आपको सेशन था, ये पूरा सेशन था, इसमें 20 क्वेश्चन थे जिसमें 20-20 हमने खेला। सेशन कैसा लगा तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं तो एक बार कंप्यूटर जी फुल स्क्रीन दिखा देंगे, कंप्यूटर जी फुल स्क्रीन दिखा करके ये बताना चाह रहे हैं कि टीचर्स अड्डा पर 7 बजे आपका क्या आता है, एक हमारा करंट अफेयर का शो आता है जिसमें पूरी करंट अफेयर डिटेल में आपको पढ़ाई जाती है। तो वहां पे करंट अफेयर पूरी पढ़िए टीचर्स अड्डा पर, और आप एसएससी अड्डा पर उसको प्रैक्टिस करिएगा। तो एक बार कंप्यूटर जी मुझे स्क्रीन पर लगा दिया जाए तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। डेली एसएससी अड्डा पर सुबह 6 बजे हम मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ, जिसमें कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे और करंट के एक दिन पुराने क्वेश्चन होंगे, अर्थात मतलब जो आपका प्रीवियस डे होता है उस पर बेस्ड सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होंगे। तो साथियों हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।